रात रात रागिनी रूह देखिएगा अनुप्रास अलंकार भी मिलेगा इसमें रात एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है अनुप्रास अलंकार रात रागिनी रूह कुछ कहती है कि रात रागिनी रूह कुछ कहती है आओ निपट जाओ बहुत सर्दी है इत्र फिर से अनुप्रास अलंकार देखिए कुछ तो सीखना है ना आपसे हमने कुछ सीखा हमने आपसे कुछ सीखा बस कहानी बन गई किससे बनी है उसको सुना रहा हूँ कि इत्र कि भैया सुनिएगा डर के आगे जीत है इत्र इश्क एल इत्र इश्क एल इजाजत है क्या इत्र इश्क एल में इजाजत है क्या तेरी ना ये शराफत है क्या उसके बाद सुनिएगा अब बातों में आते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं अब जहां आप जाएंगे वहां सोचिए आप जैसा समझेंगे वैसा सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आप अलग समझ रहे हैं आप अलग समझ रहे हैं आप अलग समझ रहे हैं यही कविता की ताकत है और ये मेरी ताकत है कि लफ्ज लिबास कपड़े लफ्ज लिबास लफ कुछ कहते हैं कि लफ्ज लिबास लफ कुछ कहते हैं लफ्ज लिबास लफ कुछ कहते हैं आज चलो ना साथ में रहते हैं आगे बढ़ूंगा कि जाम जाम वही जाम कि जाम जिस्म जरूरत कौन मांगता है कि जान जिस्म जरूरत कौन मांगता है अपनों से इजाजत कौन मांगता है उसकी पायल की आवाज ने कमाल कर दिया कि उसकी पायल की आवाज ने कमाल कर दिया उसकी पायल की आवाज ने कमाल कर दिया इस खाली पड़े बाजार को मीना बाजार कर दिया और वो बड़े आराम से थल के बाजार भी होगा सब्र रखिए सब्र खल सब्र का जो फल होता है वो बहुत ज्यादा मीठा होता है और मीठे से क्या होती है कि वो बड़े आराम से कमबख्त पे प्यार था मोहब्बत था सब कुछ था लेकिन एक ही जो थी कमी थी पीती बहुत थी कि वो बड़े आराम से बेहिसाब जीती है वो बड़े आराम से बेहिसाब जीती है सुबह हो या शाम वो हर शाम जीती है वो बड़े आराम से बेहिसाब जीती है जो इसके बाद जो आने वाला है ना उस पर ज्यादा ताले चाहिए कि वो बड़े आराम से बेहिसाब जीती है खुशी हो या गम हो वो हर शाम पीती है खुशी हो या गम हो वो हर शाम पीती है और पीने के बाद डल्ली हो जाती है उसके बाद क्या कहती है सुनिएगा रात के 12 बज रहे हैं ठीक है बिल्कुल डल्ली है माहौल ठीक है पूरा माहौल बना हुआ है उसके बाद क्या कहती है कि प्यार प्यार इश्क मोहब्बत एक तरफ कि प्यार प्यार इश्क मोहब्बत कि प्यार प्यार इश्क मोहब्बत एक तरफ कि प्यार प्यार इश्क मोहब्बत एक तरफ पौवा अद्धा बोतल चकना रे कि प्यार प्यार कि प्यार प्यार इश्क मोहब्बत एक तरफ क्यों ताली भाई कि प्यार प्यार इश्क मोहब्बत एक तरफ इस मंच में केवल आज जुड़ा हूँ दोनों को जानता हूँ राधिका और राधिका बैठी हैं तालिब खान पीछे बैठे हैं इंजीनियरिंग एक साथ की उसके बाद ही अलग तौर पे हम अलग तौर पे हैं आज यहाँ मिले हैं वो बात अलग है कि कहाँ से शुरू करें इश्क विश्क प्यार मोहब्बत एक तरफ पौवा अंधा मोतर अपना एक तरफ और अब ये सब कुछ हो गया प्यार का माहौल बन गया सुट्टा भी चल गया भैया तो सब कुछ हो गया अब उसके बाद क्या जरूरत होती है आदमी को एक हासमदार दोस्त की जो कैसा हो तारिफ खान जैसा हो
इनसे क्या मांगता हूँ वो सुनिएगा, और अभी तक कुछ भी नहीं सुना है समझिए, जो आप सुना रहा हूँ ना एक बार समझ जाएंगे और सुन लेंगे तो याद करेंगे कि एक लड़का आज यहाँ आया था, ठीक है। क्या आगे कि ना पैसा, तारीफ भाई पैसा बेरोजगारी में चल रहे हैं, ना पैसा ना गाड़ी ना ही कोई एहसान चाहिए, ना पैसा ना गाड़ी और ना ही कोई एहसान चाहिए, ना पैसा ना गाड़ी ना ही कोई एहसान चाहिए, मुझे कुछ देर के लिए तेरा वो जंगल वाला मकान चाहिए। प्यार को थोड़ा खत्म करते हैं, मोहब्बत बना है तो जब मशहूर थे तो कई थे गले लगाने वाले, जब मशहूर थे तो कई थे गले लगाने वाले, मुद्दा बाजार हम कंगाल हो गए, जब मशहूर थे तो कई थे गले लगाने वाले, लूटा बाजार हम कंगाल हो गए, आज गले लगाने वाले ही हैं गला दबाने वाले। एंड करता हूँ क्योंकि अब आधा हो गया, तो आधा ज्ञान जो होता है वो खराब होता है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है ना, ज्यादा समय शायद ओवर हो गया, लेकिन मस्त थोड़ा सा अब थोड़ा घर में आ जाता हूँ, जो आजकल की यूथ है उसमें तो ये अच्छा क्लोज हो गया, प्यार मोहब्बत इसके वगैरह सब हो गया, कि उसको बाबा की बीड़ी से एलर्जी है, पर तेज पड़ा फिर उसको बाबा की बीड़ी से एलर्जी है, घर में जाते हैं बाबा बीड़ी पी होते हैं, पापा कहते हैं बाबा एलर्जी हो गया बाहर जाओ, समझिएगा मेरी बात को, उसको बाबा की बीड़ी से एलर्जी है, चाहे कुछ ऑटो के नीचे सिगरेट दबा रखी है, चाहे कुछ ऑटो के नीचे सिगरेट दबा रखी है, कि आग लगी, कि आग लगी धुआं उड़ा सारी उम्मीदें जल गई, कि आग लगी धुआं उड़ा सारी उम्मीदें जल गई, मम्मी ने घर से लेब भी करके पैसे भेजे थे, यहाँ शहर आकर उसकी कीमत धुने में साथ उड़ गई, धुने के साथ उड़ गई। और आखिरी छंद है, अब इसको देखिएगा आप जो समझते हैं, पद्य समझो गद्य समझो शायरी समझो कविता समझो अलंकार भी है उर्दू भी है हिंदी भी है, जो समझे वो समझे, उसके बाद कि जो आजकल चल रहा है हमारे साथ युग के साथ चल रहा है, कि यूं देशता की घंटी बजाकर यूं देशता बाल गुड़िया के वो गली में आ गया, कि घंटी बजाकर यूं देशता बाल गुड़िया के गली में आ गया, यूं घंटी बजाकर देशता बाल गुड़िया के वो गली में आ गया, मैं बेरोजगारी से हार कर छत से कूद नहीं वाला था, उसे देखकर मुझे जीने का सलीका आ गया। रिकॉर्ड योर पोएट्री शायरी स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप, डाउनलोड द ऐप नाउ।